हेलो दोस्त, कई बार दिल से दुआएं निकलती है लोगों का कि इतना परेशानी, जिनको परीक्षा बिना दिए अपीयर हुए, बिना नोटिफिकेशन देखे, वैकेंसी ही नहीं कोई आई, एज ख़त्म हो गया, कितना दर्द लगता होगा। तो वैसे ही कंडीशन कुछ एलपी टेक्नीशियन, जेई और कई लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे की वैकेंसी के लिए, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या 10+2 पीसीएम करके, कोई नर्सिंग वाले कर, कोई लोग पैरामेडिकल के लिए, कई लोग कहते हैं मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, कोई एसएससी की तो वैकेंसी याद ही नहीं है उनके लिए। वैसे ही दबले लोग जिनकी एज ख़त्म हो रही है, न्यू वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, और सिर्फ 1 घंटे में ही एक, मतलब करीब करीब 10 लाख+ ट्वीट हो चुका है, यानी 1.07 बाइट। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये करीब करीब 1.5 M के आसपास पहुँचा होगा ये डाटा। साथ में एक हमारे साथ भी चल रही है प्रॉब्लम, उसको भी आपको पहले ही बता दिए हैं, राहुल सिंह मिसिंग है, हो सकता है, तो इसको भी मैं साथ में ट्वीट कर रहा हूँ कि हो सकता है पब्लिक में जितना इन्फॉर्मेशन जाएगा वो बेहतर होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखने के लिए देखिए, कोलकाता पे एक अपडेट आया है, उसको भी कवर कर लेते हैं। कल आया था, 90 लोगों को पैनल दिया था जिनका बायोमेट्रिक या बीसी में इशू हुआ होगा, लेकिन कोलकाता के वेबसाइट दिखाने से मुझे ये मकसद था, CN 1/19, 2/18, 3/18, 2/19, ये सारे वैकेंसी 18/19, 18/19 आपको दिख रहे होंगे, और नीचे में भी देखिएगा तो 19 दिख रहे होंगे, 19 दिखे होंगे। तो मेरा इससे ही संबंधित ट्वीट था, लेवल 1 वाला देख लीजिएगा, 90 लोगों का जो पैनल आया है वो देख लीजिएगा, जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा रेलवे लाइफ का ट्वीट था, मैं लोगों को बोला और सही में बिल्कुल सटीक इस समय की है ट्वीट। हालांकि आप देखेंगे ट्रेडिंग में तो आपको ट्वीट देखिए 1.1 हो रहा है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो हमने जो रिट्वीट किया था, शुरू किया था, तो मेरा मकसद ही यही था, मेरे लोगों को बताना ही मकसद यही था कि जो 5 साल की वैकेंसी है वो सारी वैकेंसी आपको सबसे ज़्यादा उम्र पे असर पड़ेगा। आपने भाई वैकेंसी में अपियर नहीं हुआ, पहले ही ख़त्म हो गया। हालांकि रेलवे का थोड़ा सा पिछली वैकेंसी में टाइम लगी थी, उससे जल्दी करना चाहिए था, लेकिन कुल मिला के लोगों की जो तकलीफ़ है उसको पूरा करना चाहिए था। तो मैं ट्वीट किया था तो लोगों ने जवाब भी दिया, अच्छा रिस्पांस भी लोगों का है। साथ में मिसिंग वाला भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट अभी मेरे लिए तो सामने एक ही चीज़ दिख रहा है, घर का बच्चा घर आ जाए, बस चाहे इसका जो भी हो। चलिए, तो यहाँ पे जब ट्वीट की बात होती है ना, तो ट्वीट लोग क्यों करते हैं? सबसे पहले कहते हैं जब वो परेशान होते हैं। भारत में लोग शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका दिख रहे हैं आपका रिस्पांस, 5-5 साल, 6-6 साल वैकेंसी नहीं आती, तो लोगों का एज जो अधिकतम है यूआर के लिए, वो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, सबके लिए एक समस्या बन जाएगी कुछ टाइमों में। तो वो चीज़ को करने के लिए, और जो रेलवे पीछे नोटिस भी दिया था कि जो हम 1 टाइम आपको बेनिफिट दिए हैं वो ख़त्म हो जाएगा, तो लोग परेशान हो चुके हैं, उन्होंने इसलिए इस वैकेंसी की डिमांड किया है। तो रेलवे को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, चाहे जितनी वैकेंसी हो सकता है वैकेंसी कम हो, लेकिन वैकेंसी रेगुलर आए, तो जो लोग आईटीआई हर साल पास होते हैं, जो बीटेक हर साल पास होते हैं, जो डिप्लोमा एवरी ईयर पास होते हैं, वो अपनी जॉब या अपनी ड्रीम या अपनी मेहनत को यूटिलाइजेशन कर सकें, ना कि 5 साल एज हो जाए और 5 साल के एज ख़त्म हो जाए। तो लोगों को दिक्कत होती है कि ना नोटिफिकेशन देखा, सपना ही रह गया बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई करने का। थैंक यू, धन्यवाद।